नमस्कार। ये है प्रेस्टेज, प्रेस्टेज का इंडक्शन है ये। इसका मॉडल नंबर है PIC 3.1 V3। इसका प्रॉब्लम है बिल्कुल ये डेड है, इसको खोल के देखते हैं कि क्या हुआ, फिर आपको बताते हैं। ये इसका प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल डेड है, इसको अभी खोल के हम चेक कर रहे हैं क्या हुआ क्या है। देखिए इसका कॉकरोच जो है पूरा इसमें आके पूरा स्टार्ट कर देता है। इसको इंडक्शन को आपको कॉकरोच से बचा के रखना पड़ेगा, उसी से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आपका। चेक करके आपको फिर बताता हूँ क्या हुआ क्या नहीं। पहले हम इसका फ्यूज को चेक करेंगे, फ्यूज सही है कि नहीं। फ्यूज उड़ गया मतलब आपका ये हो सकता है फिर ये IGBT का प्रॉब्लम हो। IGBT चेक कर लेता हूँ मैं। IGBT 60 बता रहे, देखिए IGBT जो है IGBT 60 बता रहे। IGBT का चलते आपका IGBT जैसे 60 हो गया फिर फ्यूज उड़ गया। अभी IGBT लगा के फिर चेक करेंगे इसमें और क्या कुछ प्रॉब्लम और है कि नहीं। इसमें प्रॉब्लम है इसका, ये IGBT ये प्रॉब्लम है और इसका फ्यूज तो लगाना पड़ेगा। पहले फ्यूज लगा के चेक करेंगे इसका IGBT निकाल के, फिर IGBT निकाल के आपको बताता हूँ मैं। ये देखिए IGBT मतलब ये सोल्डरिंग निकाल के वो IGBT निकालना पड़ेगा। पहले फ्यूज खोल के फ्यूज लगाना है। ఇప్పుడు ఈ IGBT తీసేశాను, ఈ IGBT నేను సోల్డరింగ్ తీసినప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఫ్యూజు, ఈ ఫ్యూజు రెడీ తీసాము. ఈ రెడీ ప్లేస్లో ఇది కొత్త IGBT వేస్తాను, దీంట్లో కొత్త IGBT. ఈ ఫ్యూజు ఒకటి కాదు, ఈ ఫ్యూజ్ ఒకటి కొత్త తెస్తాను. ఈ IGBT వేసే ముందు మీరు దీనికి హీట్ సింక్ పేస్ట్ వస్తుంది, లేదా హీట్ సింక్ పేస్ట్ ఈ పేస్ట్ మీరు హీట్ సింక్ పేస్ట్ ఇంకా పేస్ట్ లగానా పడతా హై IGBT లగానే సే పహలే ఆపకు హీట్ సింక్ పేస్ట్ లగానే సే క్యా హోతా హై ఏ గరమ్ హోతా నహీ హై యే హో చుకా హై ఇస్మే అభీ IGBT లగాయా ఔర్ ఫ్యూజ్ లగాయా ఔర్ సప్లై లగా కే హమ్ చెక్ కరేంగే ఇస్కో सप्लाई लगा दिया हमने, एक बर्तन रख रहा हूँ। ये आपका चालू हो गया है, ये सीरीज में लगाया हूँ मतलब ठीक है, ब्लिंक कर रहा है बल्ब, ब्लिंक कर रहा है मतलब बर्तन सेंस कर रहा है। इसको अब हम डायरेक्ट लगाएंगे। अभी देखिए ये ठीक है, अभी सही चल रहा है। इसका याम्स भी आपको बराबर ले रहा है, कितना ले रहा है 5.1 एम्पीयर ले रहा है, ठीक है। ये अब सही हो गया है, मतलब इसमें काली IGBT और फ्यूज का प्रॉब्लम था, उसको लगाने के बाद ये सही हो गया।